कृष्ण की सेवा के लिए यहाँ पर कमल फूल को खिला देती है। चार तरह का कमल फूल खिलता था, रक्त कमल, नील कमल और सफेद रंग का कमल, लाल कमल, अलग अलग कमल फूल यहाँ पर खिला करता था। जब राधा रानी जाकर कहीं छुपती थी, बोले किसमें, बोले स्वर्ण कमल को अंदर में, जहाँ पर कमल फूल एकदम सोने रंग के, उसके अंदर में राधा रानी छुपती थी। कैसे छुपती थी, राधा रानी अपना मुंह को ऐसे ऊपर कर देती थी। और राधा रानी का मुख कैसे है देखो, राधा रानी का मुख चंद्रा ननी, देखो माताओं का मुंह भी अलग अलग होता है, किसका लंबा होता है, किसकी चंद्र जैसे होता है, लेकिन जो चंद्रा ननी मुंह ना बड़ा सुंदर है। राधा रानी का मुंह एकदम गोल चंद्र जैसे, जैसे फूल है ना कमल फूल जैसे, राधा रानी की फूल उनको जो मुख भी कमल जैसे, राधा रानी कमल वन में प्रवेश करके अपना मुंह ऐसे ऊंचा कर खड़ी हो जाती। अभी कृष्ण ढूंढते हैं राधा रानी कहाँ, राधा रानी कहाँ, अभी ढूंढते ढूंढते मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि राधा रानी के मुख और कमल का जो मुख है, मुख कमल वो एक ही है, अभी कृष्ण को तो मिलना नहीं। इतने में कृष्ण कहते हैं कि किशोरी जी मैं हार गया हूँ, अभी तू तो दर्शन दे। फिर राधा रानी कमल फूल का बन से निकलती। अभी राधा रानी कभी चोर बनी, कृष्ण कभी छुपते हैं, जब छुपते हैं जा करके नील कमल, कृष्ण का मुंह कैसे नील है, कृष्ण भी जा करके नील कमल को अंदर में अपना मुंह को ऊंचा करके ऐसे ही कभी कभी छुप जाते हैं। अभी राधा रानी ढूंढते ढूंढते कभी राधा रानी को नहीं मिलती, तब राधा रानी कहती है श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, मेरे को दर्शन तो मैं फेल हो गई हूँ। तब कृष्ण नील कमल के अंदर में कभी कभी कृष्ण प्रकट होते हैं, और कभी कभी राधा रानी जा करके कुंज में छुप जाती, बोले कौन सा, बोले नीलम्बू है, नील जिसे नील है, जाकर कभी कभी राधा रानी छुप जाती। जब छुप जाती है किसी कुंज में, अभी श्याम सुंदर राधा रानी को ढूंढते हैं, राधा रानी कहाँ है, लेकिन राधा जी के शरीर से गंध उन्मादिता, राधा रानी के शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है राधा रानी का शरीर से। राधा रानी जाकर किसी कुंज में छुप जाती, जब छुप जाती है राधा रानी के शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है। इतने में भौरा जाकर के ऊपर से मडराने लग जाती, भौरा मडराते हैं, भौरा मडराने पर कृष्ण को पता चल जाता यहीं पर श्रीमती राधा रानी क्यों यहाँ पर भौरा क्यों मडरा रहे हैं। अरे कभी कभी यहाँ का जो लता पता है ना, कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री श्री राधे राधे हो, राधे राधे हो। यहाँ का वृक्ष सब राधे का, वृक्ष साधारण नहीं, इसलिए कभी यहाँ के वृक्ष है ना, जिस कुंज में राधा रानी छुपती है वो वृक्ष का कभी कभी उसका जो पत्ता है ना, लता ऐसे ऐसे हिलने लग जाती है, हिलने लग जाती, मतलब क्या, वो लता भी कहा करती है श्याम सुंदर राधा रानी यहीं पर छिपे, राधा रानी और कहीं नहीं। अभी कभी कभी कृष्ण राधा रानी नहीं मिलने पर कृष्ण ढूंढते हैं कहाँ पर राधा रानी कहाँ पर छुपी है। इतने में कृष्ण का सखा कहते हैं, ऊपर क्या देख रहे हो, नीचे देख, ऊपर क्यों देख रहे हो, नीचे देख, बोले क्यों, बोले राधा रानी की चरण में जो चिन्ह है उन्हें से चिन्ह राधा रानी के चरण में है, उसमें सौभाग्य रेखा और तरह तरह का, उसमें कृष्ण का बाम अंग में जो चिन्ह, कृष्ण का डान अंग में वो चिन्ह है। जब राधा रानी, जब चलते चलते राधा रानी चलती है, राधा रानी के चरण का छाप पड़ा हुआ होता है, राधा रानी के चरण में की छाप पड़ा हुआ होता है। सखा लोग है तो ऊपर क्या देख रहे हो, नीचे देख, नीचे नीचे देख, क्योंकि ये चरण का चिन्ह का छाप को देखो राधा रानी कहाँ करो। इतने में कृष्ण जा करके चरण को छाप को देखते देखते कृष्ण चलते हैं, लेकिन जब चलते हैं इसने क्या होता है, वो कुंज ऐसे बनाया है, वो कुंज कभी ये वृंदा देवी ऐसे कुंज बनाती है, वृंदा जो रंग पूरा के पूरा राधा रानी का अंग का रंग और कुंज का जो रंग है बराबर है। कृष्ण जाकर भी राधा रानी को ढूंढ करके प्राप्त नहीं कर पाते, क्यों, वो अद्भुत ऐसे कुंज बनाया ऐसे, इसलिए ये जो स्थान का नाम है, कहते हैं ना जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, नट नागर नाबल चल रसिया, प्यारो का ना है मेरो मन बसिया, करे कालिंदी कुंज की लोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। इसलिए करे कालिंदी कुंज
जय किल्लोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। इसलिए ये जो कुंड का नाम है किल्लोल कुंड है, क्योंकि इसी में राधा कृष्ण किल्लोल खेलते थे। किल्लोल कुंड बाल किल्लोल कुंज है। इसलिए ये जो जो गिरिराज गोवर्धन का जो तलहटी है, संपूर्ण रूप में कृष्ण लीला को द्वारा ऐसे कोई लीला नहीं की। यहाँ पर तो हमारे गोस्वामियों ने केवल एक एक हिंट दिया है, एक दिन में इतना लीला है, हैं कितना हरि अनंत हरि कथा न, तो एक दिन की इतना लीला है जिसको हम सुनकर खत्म नहीं कर सकते, इतने लीला है। लेकिन गोस्वामियों ने थोड़ी थोड़ी सी हमें हिंट दिया, क्यों हमारे हृदय में लोभ हो, एक दिन लोभ हो, एक दिन वो लीला रस में प्रवेश करने के लिए। इसलिए गोस्वामी ने थोड़ी थोड़ी केवल इंगित दिया। बांग्ला बुझते पार छो, हाँ मायरा सब पंडित अच्छे सब बुझते पार नीताई गौर, हाँ ओडिया लोग मैंने अच्छा सब ओडिया लोग मैंने दी तीन खाली ओडिया लोग मैंने देखा जाते के ओडिया अच्छा ठीक है ओडिया लोग कोई नहाते जाने अच्छे दी जन अच्छे तीन जन हाँ नीताई हाँ आपण मैंने सब हिंदी बुझुच्च चिंता नहीं हिंदी तो बुझुच तुम सब पंडित अच्छा सब टीवी देखी देखी सब हिंदी शिखी गले नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ आज आपण मैंने आम ओडिया भाई मैंने माँ मैंने आज पांचटा समय आसब जे नंबर जे बी वन आसब से खाली जो बसलु आप आसे ओडिया भाषा रे खाली ओडिया भाषा रे सेठी कथा हबो ठीक अच्छे बी टू बी बी वन बी वन आस ठीक अच्छे नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। चंदन प्रभु माधवी दीदी देख रही है, माधवी दीदी देख रही है, माधवी दीदी